जय हिंद दोस्तों, शिवाय अयोध्या वाले ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आज हम लोग जा रहे हैं अयोध्या नगरी में, तो आपको दिखा देते हैं, ये पीछे हमारे जाता है सीधा बस्ती और गोरखपुर। तो और इधर ये रास्ता आपको बता दें, ये सीधा लखनऊ से आता है, लखनऊ से होते हुए सीधा आता है अयोध्या नगरी में। तो आप यहाँ पीछे पोस्टर देख सकते हैं, पावन धार्मिक नगरी अयोध्या धाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आप यहाँ जैसे ही आप पोस्टर देखते हैं, यहाँ से टोटल 200 मीटर आगे आप जाएंगे तो आपको बाएं मुड़ना है। तो चलते हैं, आपको लेकर दिखाते हैं यहाँ रोड से कितनी दूरी पर है रास्ता। तो आपको लेकर चलते हैं हम लोग सीधा, दिखाते हैं मार्ग पूरा कैसे कैसे जाया जाता है अयोध्या नगरी में नेशनल हाईवे से। तो दोस्तों आज हम आपको पूरा दिखाएंगे, पूरा मार्ग श्री राम मंदिर तक लेकर चलेंगे आपको लता मंगेशकर चौक से। तो आप दोस्तों पूरे वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए, आपको नेशनल हाईवे से लेकर चल रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आज आपको पूरा एकदम अच्छे से दिखा देंगे कहाँ से कैसे कौन सा मार्ग जाता है, तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों आपको श्री राम जी की मूर्ति दिखाएंगे, अभी नेशनल हाईवे के एकदम बीच में लगी है बड़ी सी, तो आपको वहाँ दिखाएंगे। फिर वहाँ से हम लोग बाएं मुड़ेंगे और अगर सीधा जाते हैं तो सीधा बस्ती में जाएंगे, नदी पार करके ऊपर से नेशनल हाईवे के ऊपर से। तो दोस्तों उधर से नहीं जाएंगे हम लोग, सीधा चलेंगे इधर से बाएं मुड़ जाएंगे, यही दोस्तों सीधा अयोध्या में लेकर जाती है जो रोड से हम लोग बाएं मुड़ेंगे। तो आपको श्री राम जी की मूर्ति दिख रही होगी। तो दोस्तों आप मूर्ति देख लीजिए श्री राम जी की, और आपको फिर लेकर चलते हैं आगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालु लोग आए हुए हैं, ई रिक्शा में बैठे हैं अभी। तो यहाँ से दोस्तों इन लोग की बस खड़ी हो गई थी यहाँ पर, अंदर में ही नहीं जाने देते हैं बस लेकर, तो सिर्फ 4-व्हीलर गाड़ी तक ही ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों श्रद्धालु लोग ई रिक्शा से गए थे, फिर ई रिक्शा से आ रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग अंदर चल रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे हाईवे से नीचे हम लोग हो गए हैं नेशनल हाईवे से। तो ऐसे ही दोस्तों जाएंगे, लगभग 500 मीटर दूरी तक ऐसे जाएंगे दोस्तों हम लोग, फिर उसके बाद फिर बाएं मुड़ना है हम लोग को। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग नीचे से चल रहे हैं। और दोस्तों ये बगल में मल्टी लेवल पार्किंग है दोस्तों, यहाँ पर आप अगर कार से आते हैं यहाँ खड़ी कर ई रिक्शा द्वारा फिर पूरे अयोध्या में घूम सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैटरी वाली रिक्शा भी रखी गई है, यहाँ पर अगर श्रद्धालु लोग आते हैं फैमिली के साथ तो बैटरी वाली रिक्शा वहाँ से तुरंत करके पूरा अयोध्या घूम सकते हैं। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ से मुड़ चुके हैं। तो दोस्तों जैसे जा रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग जा रहे हैं किस रोड से। और दोस्तों आप यहां पर भी देख सकते हैं बीच में कुछ काम किया जा रहा है, इसको पहले आपको दिखा देते हैं ये। और सामने दोस्तों मेन द्वार बनाया जा रहा है, प्रवेश द्वार, ये यहां पर पुलिस लोग भी बैठते हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं रोड के साइड में काम किया जा रहा है, कुछ बनाया जा रहा है साइड साइड से। तो दोस्तों बनने के बाद ही पता चलेगा क्या बनाया जा रहा है, तो आपको दिखाएंगे वह भी। हमको लग रहा है दोस्तों यहाँ पर कुछ फोटो वोटो लगाए जाएंगे बड़े बड़े ताकि देखने में अच्छा लगे। तो आप सामने देख सकते हैं जैसी भी चल रही है, यहाँ पर मशीनें आपको ज़्यादा दिखाई देंगी जैसा कि अयोध्या नगरी में पूरे काम हो रहा है इस समय। और यहाँ पर भी देख लीजिए मशीन काम कर रही है। और दोस्तों आप सामने देख सकते हैं इसको सतरंगी पुल कहा जाता है, तो इसके ऊपर से दोस्तों ट्रेन जाती है, कितना अच्छे से बनाया गया है दोस्तों आप देख सकते हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है यह। तो दोस्तों जैसे ही आप नेशनल हाईवे से उतरेंगे तो यह मार्ग सीधा आपको लता मंगेशकर चौक लेकर जाएगा। तो दोस्तों सबसे आसान मार्ग यही है, आप यहां पर देख सकते हैं पानी का टैंकर भी खड़ा है। तो दोस्तों यहां पर साइड साइड में नाली का काम किया जा रहा है, नाला बनाया जा रहा है, तो इसीलिए यहां पर इसमें। और यहां पर भी एक चौराहा मिलेगा आपको,
और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं रोड पर धूल मिट्टी ज़्यादा हो गई है, जैसा कि काम चल रहा है साइड में, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों कोई भी गाड़ी पीछे से अगर आगे से जा रही है तो यहाँ पर धूल उड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं लग रहा है दीप उत्सव 11 नवंबर 2023 को है, तो उससे पहले यह बना दिया जाएगा क्योंकि इसका कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। और दोस्तों इस तरह से दोस्तों पूरे अयोध्या नगरी को पूरा एकदम नया कर दिया जा रहा है, तो आपको जब पूरा अच्छे से बन जाएगा एक बार इसका अपडेट फिर से देंगे पूरे अयोध्या नगरी का। तो अभी दोस्तों बनाया जा रहा है तो अभी देखने में कम अच्छा लग रहा है, लेकिन बनने के बाद दोस्तों काफ़ी भव्य तरीके से दिखेगा, काफ़ी अच्छा दिखेगा। और आपको सामने दिखा देते हैं, यहाँ पर भी कुछ काम किया जा रहा है साइड से, ये साइड से पिलर लगाए जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ बनाया जाएगा, कुछ अच्छा ही बनाया जाएगा, तो आपको वहाँ भी दिखाएंगे बनने के बाद। और सामने दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं लता मंगेशकर चौक एकदम सामने ही है, तो दोस्तों लता मंगेशकर चौक के बीच में और अगर आप सीधा जाते हैं तो गोंडा लेकर जाएगा वहाँ मार्ग, तो हम लोग के यहाँ से भी चौक से घूम जाएंगे बाएँ साइड, तो आप लता मंगेशकर चौक देख सकते हैं कितना बड़ा गिटार रखा गया है यहाँ पर। और ये यहाँ मार्ग सीधा आपको गोंडा लेकर जाएगा, तो इस पर नहीं जाना है दोस्तों, यहाँ से हम लोग मुड़ जाते हैं। तो हम लोग लता मंगेशकर चौक पहुँच चुके हैं जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, और इसी रास्ते से हम लोग आए थे, सामने दिख रहा है और इधर सीधा जाता है गोंडा, तो हम लोग चलते हैं। अब आपको राम की पैड़ी लेकर ही सामने है, राम की पैड़ी दिखा देते हैं इसके बाद। तो दोस्तों इसी गेट से राम पैड़ी के अंदर में जाया जाता है, और बगल से भी एक गेट है दोस्तों, वहाँ से भी जाते हैं, तो सीधा दोस्तों अंदर से जाएंगे सरयू नदी तक। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि दीप उत्सव आने वाला है, तो राम की पैड़ी एकदम नई हो जा रही है, इस समय पूरा इसको पेंटिंग कर दिया गया है, यह सब आप देख लीजिए, भगवा कलर का पूरा पेंटिंग कर दिया गया है इधर भी, तो आपको पूरा दिखा देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आते हैं अंदर में तो राम की पैड़ी लिखा दिखाई देगा आपको यहाँ पर, तो सीधा आप अंदर जाएंगे एकदम आखिरी तक। तो दोस्तों दीप उत्सव यहीं पर मनाया जाता है, और आपको लेकर चलते हैं हनुमानगढ़ी का रास्ता दिखाते हैं, तो चलते हैं हम लोग गेट से बाहर, यही गेट है दोस्तों इसका। तो दोस्तों इसी मार्ग से हम लोग आगे चलेंगे आपको लेकर सीधा हनुमानगढ़ी जाएगा यह मार्ग, और श्री राम मंदिर भी यही मार्ग जाता है, तो आपको सीधा लेकर चलते हैं अपनी बाइक लेते हैं, फिर उससे चलेंगे, आपको दिखाते हैं आगे ले चलकर। तो दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं श्री राम मंदिर जाने के लिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ से हम लोग 1.5 किलोमीटर आगे चलेंगे, श्री राम मंदिर रास्ते में पड़ेगा, और आपको दिखाएंगे दोस्तों ऐसे श्री राम मंदिर का मार्ग रास्ते में आपको मिलेगा, जन्मभूमि मार्ग, तो आपको हम ही दिखाएंगे, और उससे पहले दोस्तों आपको हनुमानगढ़ी जाने का मार्ग दिखाएंगे। और दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं पूरी अयोध्या नगरी को तोड़कर एक बार दोबारा से बनाया जा रहा है, तो दोस्तों ये रोड जो बना है दोस्तों अभी जल्दी ही बना है, और साइड से फुटपाथ भी बनाया जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं लेबर लोग काम पर लगे हुए हैं, तो दीप उत्सव तक दोस्तों पूरी तरह से इसको अच्छे से बना दिया जाएगा, जितने भी लोगों का घर है सामने से सब लोग बनवा लेंगे अपना। और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम किया जा रहा है, और जैसा आप देख सकते हैं कि वाइट कलर का सभी बिल्डिंग है इसमें, सब दोस्तों वाइट कलर ही की गई हैं, और सभी बिल्डिंगों में एक जैसी डिज़ाइन भी बनाई गई है जितनी भी आगे हैं। और दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह पे इसी तरह से काम किया जा रहा है जैसे पीछे किया जा रहा था, और दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से दोस्तों यहाँ पर अभी अधिक जाम लगता है,
आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं सब हट जाएंगी और जाम नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसी कारण से अभी नया नया रोड बनाया जा रहा है, इसीलिए अभी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम लगता है। तो दोस्तों ऐसे ही पूरी अयोध्या नगरी में दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जितने भी घर दिख रहे हैं बगल से आपको, सब में एक ही तरह के डिज़ाइन बनाए जाएंगे, ये जैसा आप देख सकते हैं, और सब एक ही कलर के रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट कलर और भगवा कलर का, दो कलर रहेंगे दोस्तों इसमें। तो आप इधर भी देख सकते हैं, और बीच में डिवाइडर भी लगा दिया जा रहा है रोड में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो दोस्तों पूरा अयोध्या नगरी जो दोस्तों पूरा अच्छा, बहुत अच्छा और भव्य तरीके से पूरी अयोध्या नगरी का निर्माण किया जा रहा है राम मंदिर के साथ साथ। और हम लोग सीधा आपको लेकर चलेंगे अभी हनुमानगढ़ी से होते हुए श्री राम मंदिर। तो आपको पूरा राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि जाने का मार्ग दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हैं किस तरह से दोस्तों यहाँ कंप्लीट कर दिया गया भगवा और वाइट कलर। ऐसे दोस्तों जितने भी घर रहेंगे यहाँ पर सभी का ऐसे ही कलर रहेगा अयोध्या नगरी में। तो ये सब जो वाइट कलर के हैं ये सब भी भगवे कलर के किए जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों पूरी अयोध्या नगरी हमारी ऐसे ही चमक जाएगी और देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और दोस्तों जो रोड चौड़ीकरण में जितने भी घर तोड़े गए थे सामने से, वो सब अभी कुछ बने नहीं हैं, तो आपको दिखा देते हैं। ये घर देख सकते हैं किस तरह से तोड़े गए हैं, और सब ये बनाए जाएंगे, जल्दी ही बना दिए जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि सब लोग काम करवा रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, तो दोस्तों आपको यहाँ से दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो आए होंगे दोस्तों अयोध्या में, तो वो देखने के बाद तुरंत जान जाएंगे। जैसा आप सामने देख सकते हैं मंदिर दिख रही है, तो दोस्तों यही मार्ग सीधा हनुमानगढ़ी जाता है। यहाँ से अंदर आप 200 मीटर आगे जाएंगे आपको सीधा हनुमानगढ़ी ले जाकर, सीधा हनुमानगढ़ी के मंदिर पर ही ले जाता है यह मार्ग। तो दोस्तों अभी इस मार्ग पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जेसीबी खड़ी है, और इसी अयोध्या नगरी में हर जगह पर दोस्तों मशीनें आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। तो पूरे अयोध्या नगरी में जितनी भी दुकानें आपको दिखेंगी दोस्तों, सब में ऐसे ही झंडा बनाया जाएगा आगे से, और पूरे जितनी भी अयोध्या नगरी में दोनों साइड से जितनी दुकानें हैं सब भगवा कलर की कर दिए जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कहीं कहीं बना दिया गया, पूरा भगवा कलर कर दिया गया है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। आप जैसा कि देख सकते हैं इधर कुछ काम हो गया है ज़्यादा अधिक। तो दोस्तों जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे हम लोग कि पूरी अयोध्या नगरी दीप उत्सव तक तैयार कर दी जाएगी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे अयोध्या नगरी को दीप उत्सव तक लग रहा है सच में तैयार हो जाएगी। जैसा कि आप अच्छे से देख सकते हैं अभी कुछ काम बाकी है, तो 10 दिन में वहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप इधर देख सकते हैं हनुमानगढ़ी का जो दोस्तों यह मंदिर दिख रहा है, काफ़ी ऊँचा हनुमानगढ़ी का मंदिर है हनुमान जी का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर कितना ऊँचा है, यहाँ से दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बगल से भी रास्ता है हनुमानगढ़ी जाने का, आपको अभी वहाँ भी दिखाते हैं। ये बगल से इधर से है, इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर, या ये सीधा दोस्तों हनुमानगढ़ी लेकर जाएगा यह रास्ता। तो आगे भी दिखाए थे और यहाँ से भी दोस्तों रास्ता है, तो जो श्रद्धालु लोग पैदल आएंगे यहाँ से जाएंगे उनको आसानी रहेगी जाने में श्री राम मंदिर से। तो दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले ही हैं जल्द ही श्री राम जन्मभूमि मार्ग पर, तो आपको दिखाते हैं किस तरह से श्री राम जन्मभूमि मार्ग पर भी दोस्तों आगे से मेन द्वार बनाया जा रहा है। तो अभी आपको चलकर दिखाते हैं। तो दोस्तों जितनी भी आपको यहाँ पर टेम्पू दिख रही हैं ये सब बंद हो जाएंगे आने वाले समय में अयोध्या नगरी में। यहाँ पर दोस्तों सब बैटरी वाली गाड़ियाँ चलेंगी और ई रिक्शा भी चलेंगी, और ये सब डीजल गाड़ियाँ यहाँ पर बंद हो जाएंगी लगभग। कुछ कार वाले भी आ सकते हैं, बाकी और गाड़ियों की एंट्री नहीं रहेगी अयोध्या नगरी में। और दोस्तों इस मार्ग को राम पथ मार्ग बोला जाता है। तो दोस्तों बस कुछ ही दूरी पर यहाँ से दोस्तों श्री राम जन्मभूमि मार्ग है, तो आपको बस पहुँचने वाले हैं, दिखाते हैं।
दोस्तों जितनी भी गाड़ियाँ अभी यहाँ पर चल रही हैं, रिक्शा, टेम्पू, डीजल वाली गाड़ियाँ सब बंद हो जाएंगी यहाँ पर। कुछ ही गाड़ियों की अनुमति रहेगी अंदर में आने की, बाकी बैटरी वाली गाड़ियाँ चलेंगी यहाँ पर ज़्यादा। जैसे रिक्शा आप देख रहे हैं यह चल रहा है ऐसे ही। तो आप दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं श्री राम जन्मभूमि मार्ग के सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं यह सीधा श्री राम मंदिर के लिए जाता है यह मार्ग। तो और सामने आप यहाँ देख सकते हैं श्री राम जन्मभूमि मार्ग का प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना भव्य तरीके से प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। तो आपको चलकर पास से दिखाते हैं उतर कर। ये देख सकते हैं किस तरह से दोस्तों इसका कार्य किया जा रहा है, कितना भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। तो दोस्तों यह मार्ग सीधा आपको श्री राम मंदिर लेकर जाएगा। 500 मीटर की दूरी पर है यहाँ से श्री राम मंदिर। तो आप अच्छे से देख लीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।